जानता हूं कि आज आप बहुत दुखी हैं, और ये सब सही की वजह से है। सही की वजह से है, आप अपनी बेटी के पास नहीं हैं। मैं भी सही को रोक नहीं पाया, मैंने खुद को इतना मजबूर कभी नहीं पाया। सही की इस हरकत के लिए मैं उसकी एक भी सफाई नहीं सुनने वाला। बड़ी मामी, आप खुद को संभालिए प्लीज। विराट, मैं जानती हूं कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन ये कहने से मैं खुद को रोक भी नहीं सकती। तुम्हें याद है विराट, जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी तुम्हारी ट्रेनिंग पर जाने से पहले, मुझे सच में उम्मीद थी कि इस बार तुम्हारी हिदायत देने पर सही अपने कदम पीछे ले लेगी और देविताई और पुलकित की शादी के बारे में सोचना छोड़ देगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं भूल गई थी कि सही कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो सबके लिए अच्छा होगा। वो हमेशा वही करेगी जो उसे अच्छा लगेगा, फिर चाहे वो इस घर वालों की बेइज्जती हो या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद हो। उसे किसी की परवाह नहीं है विराट, किसी और को तो छोड़ो, उसने तो तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। तुम पति हो उसके। मैंने भी यही सोचा था कि शायद सही को मेरी बात समझ आ गई है। मैंने तो उसके साथ होली का त्योहार भी मनाया, यहां तक कि सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। सही भरोसे के लायक ही नहीं है। लेकिन विराट, तुमने ये शादी रुकवाई क्यों नहीं? तुमने तो कहा था कि तुम वहां पहुंच चुके हो, तो फिर सही ने देविताई की शादी कैसे करवा दी? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सोचा तो यही था कि वहां जाऊंगा, उस पुलकित को अरेस्ट करूंगा और ताई को वापस लाऊंगा, लेकिन उस शादी को रोकने के लिए मेरे पास जो सबूत थे वो काफी नहीं थे। मतलब सई ने अपनी मनमानी करके इस घर वालों के खिलाफ जाकर देविताई की शादी करवा दी और तुम बस चुपचाप वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तुमने कुछ नहीं किया ना विराट, यही मतलब है ना बोलने का तुम्हारा? हाँ, यही मतलब है मेरा कहने का। और कुछ सुनना चाहती हो? खड़ी हो गई थी वहां पुलकित और देविताई के सामने। यहां हम पूरा परिवार होली मना रहे थे, वो कोई और ही खेल खेल रही थी। एक एक चीज प्लान की थी उसने। देखा था मैंने उसको फोन के साथ, वो चैट कर रही थी। मुझे क्या पता था कि वो पुलकित के साथ चैट कर रही है। टोका भी था मैंने, इतना सा भी आइडिया नहीं था कि वो प्लान बना रही है ताई को भगाने का उसके साथ। एक बार आ जाए न जाने कितने सवालों का जवाब देना होगा उसे, न जाने कितने सच उगलने होंगे उसे। उससे क्या होगा विराट, जो सही को करना था वो कर चुकी है। अब तुम एक सवाल पूछो या हजार, चीजें तो नहीं बदलेंगी ना। अश्विनी, तूने हमेशा अपनी उस जंगली बहू का साथ दिया है ना, इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि सारे घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई वो। मैंने हमेशा से सही का साथ दिया है बहनी, लेकिन इस बार मैंने उसे कहा भी था कि तू पुलकित से दूर रहे। मैंने कहा इस बार उसका साथ दिया बहनी। मस्त मस्त, शेरनी के मुंह में खून लगाकर सवाल मत कर कि वो आदमखोर क्यों बन गई है। तूने बिगाड़ा है सही को,
अगर शुरू से उस पर लगाम कसती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। बहनी ऐसा क्या बोलता है, प्लीज ऐसा मत करिए। अब की बार मैंने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि मैं भी ये मानती हूँ कि सही ने जो कुछ भी किया है गलत किया है। अच्छा तो ठीक है, अब जब तुम्हारी लाडली बहू लौट के आई है उसे घर में घुसने मत देना। भाव, मैं मानती हूँ कि सही ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन वो आए तब बस उसे एक बार अपनी बात रखने का मौका दे दीजिए। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो बिना किसी ठोस कारण के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। ए, तू चुप कर, तू होती कौन है उसकी तरफदारी करने वाली? सोचने वाली बात है ना कि आखिर सही ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि शायद उसको पुलकित के बारे में कोई ऐसी बात पता चल गई थी जो हमारे परिवार को नहीं पता है। क्या मालूम सही के पास कोई वाजिब कारण हो ये शादी कराने का। दुनिया में ऐसा कोई वाजिब कारण नहीं है, मैं अपने परिवार की बेइज्जती को जायज मान लूं। और तुझे तो उसकी हर बात में कोई ना कोई वाजिब कारण नजर आएगा। आखिर उसे भी तो तेरे दो दो तलाक के बाद तेरा चक्कर चलाना वाजिब लगा था। वहिनी प्लीज, ये वक्त वो सब बातें करने का नहीं है। अभी देवी और पुलकित की बात हो रही है, मेरी नहीं। अभी ना तो बात आपकी चल रही है ना देवी ताई की, अभी बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ सही की, जिसने मेरी ताई की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस शादीशुदा इंसान के साथ फिर से शादी करवा के सही को उसकी इस गलती के लिए मैं सजा देकर रहूंगा। अब वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। विराट, बड़ा कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार सही की बात जरूर सुन लेना। क्या पता सच में उसके पास कोई ठोस कारण हो ये सब कुछ करने का। विराट, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सही का पहलू जान लेना भी बहुत जरूरी है। अश्विनी मामी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप सही का साथ दे रही हैं। आपको विराट के फैसले पर भरोसा क्यों नहीं है अश्विनी मामी, कि विराट ने खुद इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया था कि पुलकित की शादी संगीता नाम की औरत से हो चुकी है, और उसने ये साबित भी किया था कि पुलकित एक झूठा और मक्कार आदमी है। तभी तो उसने सही को पुलकित से दूर रहने की हिदायत दी थी। लेकिन सही ने विराट की अपने पति की बात भी नहीं मानी, वो पति जो हर कदम पे उसका साथ देने के लिए खड़ा रहता है, जो उसकी इतनी परवाह करता है। और तो और, विराट की बात मानने की बजाय वो देवी ताई को भगाकर पुलकित के पास ले गई और उसकी शादी भी करवा दी। इतना बड़ा कदम लेने से पहले उसने विराट को बताना जरूरी भी नहीं समझा, और अगर उसके पास कोई कारण होता तो कम से कम वो विराट को तो बता ही सकती थी ना। लेकिन नहीं, उसे तो बस बस पत्रों ने कहा बस। से
सही ने क्या किया है क्या नहीं किया है हम सबको पता है, लेकिन उसने ये क्यों किया है ये सिर्फ उसे पता है। तो उसे आ जाने दो, उसे अपनी बात रखने दो ना। तब तक खास तौर पे तुम सही के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दो। और आप अपनी आंखें मूंद कर सही पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आई आई आपके ये भरोसे ही नहीं उसको इतनी हिम्मत दी है, जो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। आई सुन लीजिए, आज के बाद जवान निवास में सही के बारे में ना तो कोई सोचेगा ना उसका नाम लेगा। पर दामाद जी आप मौशी, मुझे जो कहना था सो कह दिया और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अब सही के लिए ना तो मेरे दिल में ना मेरे घर में कोई जगह है। लेकिन दामाद जी, वो बिना आई बाबा की बच्ची जाएगी कहाँ? जहां से वो आई थी, अपने गांव गढ़चिरौली। और उस सही ने क्या सोचा था? वो हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालेगी और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ये नागेश चौहान का घर है, जो हमारी इज्जत खराब करेगा हम उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। सही ने किसी की इज्जत खराब नहीं की है और वो ना किसी के बारे में ऐसा सोच सकती है। मौशी, उसने ऐसा सोचा भी और किया भी। सही इस घर में नहीं रहेगी, बात खत्म। और हाँ, आप भी अभी के अभी जाइए यहां से, प्लीज। समझा? समझा अपनी आई को भी, थोड़ी इसे भी अक्ल दे, इसके भी दिमाग में घुसे कि आखिर हुआ क्या है। कोई नहीं, इसे समझाने का क्या फायदा? इसे समझाना मतलब विराट का वक्त जाया करना है। अब तुम क्या करोगे विराट? इस मक्कार पुलकित के खिलाफ सबूत कहां से लाओगे? हाँ, अब तो वो संगीता देशपांडे की चिट्ठी भी। सोनाली काकू ठीक कह रही है, अभी वो चिट्ठी हमारे पास है। बाकी वो चिट्ठी मैंने तुम्हें दी थी ना संभाल के रखने के लिए, जरा वो लेकर आओ। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? चिट्ठी लेकर आओ ना। विराट, वो क्या कर रही हो पाखी? चिट्ठी लेकर आओ ना। डांट इस बिचारी को क्या डांट रहे हो? इसने तो तुम्हारे कहने पर चिट्ठी अच्छे से संभाल कर अलमारी में रख दी थी। अरे उसे डांटो जिसने ये चिट्ठी चुराई और जला भी दी। क्या, चिट्ठी जला दी? चला दिया क्या मतलब? किसने जलाया? सही के सिवा ये काम और कौन कर सकता है? सही? वही तो है ना पुलकित की हमदर्द। उसी को लगता है ना कि पुलकित दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और वो उसी की तो साइड हमेशा लेती है। सही इस हद तक चली गई कि पुलकित के खिलाफ एक जो सबूत मिला था उसे भी मिटा दिया। एक मिनट, क्या किसी ने सही को चिट्ठी चलाते हुए देखा? सोनाली, तुमने देखा है? पत्र लेखा, तुमने देखा?
नहीं ना, तो फिर क्यों उस बेचारी पर तुम लोग झूठे इल्जाम लगा रही हो? मुझे पूरा यकीन है वो जबरदस्ती ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकती जिससे अपनी देवी की जिंदगी बर्बाद हो। आई, आपको यकीन है ना सही पर? है ना? तो आप कीजिए ना, हम में से आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन हम जो चंद लोग हैं जिनको सबूत पर यकीन है, हमारे यकीन पर तो आप सवाल मत उठाइए प्लीज। आई, मैं जानता हूं सही ने जो कुछ भी किया है ना, पूरे होशो हवास में किया है, सब कुछ सोच समझ कर प्लानिंग करके किया है। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सही इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। मैं तो यहां नहीं था, लेकिन आप लोग तो थे। जरा सा भी शक नहीं हुआ आप लोग को? कुछ तो कहा होगा सही ने, कुछ तो किया होगा। सोचिए, याद कीजिए। इसमें याद क्या करना है विराट? सही तो पहले दिन से कहती आ रही है कि वो देवी ताई और पुलकित की शादी किसी भी हालत में करवा के रहेगी। जब से सही इस घर में आई है, उसने ना तो कभी इस घर के लिए अच्छा किया है और ना ही घर वालों के लिए। पत्रलेखा बिल्कुल सही कह रही है। सही को अगर थोड़ी भी इस घर की, इस घर वालों की चिंता फिक्र केयर होती, तभी तो वो इस घर के लिए, घर वालों के लिए कुछ अच्छा करती ना। ओ कम ऑन, आप लोग सब ऐसे क्यों कह रहे हैं? सही ने मेरे लिए भी तो कितना कुछ किया है। मुझे अमे के चंगुल से छुड़ाने वाली सही ही तो थी। मेरे पैसे वापस दिलवाए, वो औरतें जब घर पे लड़ने आई तो उसी ने तो मेरा स्टैंड लिया। अगर उसको मेरी चिंता नहीं होती या हमारे घर की चिंता नहीं होती तो वो ये सब क्यों करती? माना सही ने आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है शिवानी मौसी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे देवी ताई की जिंदगी बर्बाद करने का हक मिल गया है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सही से नफरत है, तुम्हें उसके अंदर की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती है। तुम्हें तो हमेशा उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव ही नजर आता है ना। मैंने एक बार भी पत्र लिखा, एक बार भी तुम्हें उसकी तारीफ करते हुए नहीं देखा है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता है कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। मैं सही से नफरत नहीं करती हूँ शिवानी मौसी, मुझे तो बस इस घर की चिंता है। और अगर आप भूल गई है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैं भी इस घर की एक बहू हूँ। और रही बात तारीफ करने की, तो तारीफ करने के लिए किसी इंसान में गुण और कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है ना। और अगर सही में कुछ गुण होते तो पूरे परिवार वाले उससे ऐसे नाराज क्यों होते? आज भी पूरा परिवार उनसे नाराज नहीं है पत्रलेखा वहिनी। मैं शिवानी बुआ अश्विनी काकू सही वहिनी से नाराज नहीं है। तुम्हारी बड़ी भाभी है, तमीज से बात करो। दादा मैं तो बस उनसे लगता है सही वही नहीं आ गई, मैं देखता हूं। थाम, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.